हेलो मित्रों, जय माता दी। मित्रों, मिथुन राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि मार्च के महीने में आपके साथ बहुत बड़ी घटनाएं घटित होने वाली हैं और मार्च के महीने में आप थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि यह घटनाएं आपको विचलित और आपके होश को उड़ा सकती हैं। मित्रों, इन घटनाओं के साथ साथ आपको मार्च के महीने में कुछ विशेष क्षेत्रों से लाभ की प्राप्ति और कुछ बड़ी खुशखबरी मिलने वाली हैं। मित्रों, अगर आपकी भी राशि मिथुन है तो आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सारी की सारी घटनाएं आपके जीवन में काफी कायापलट करने वाली हैं। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि जब से मार्च का महीना प्रारंभ हुआ है, आप अपने जीवन में अनेक परिवर्तन देख चुके होंगे और अनेक परिस्थितियों का सामना भी आप कर चुके होंगे, परंतु यह ऐसी घटनाएं हैं जो कि आपके मार्च के महीने में होकर ही रहेंगे। आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। मित्रों, मिथुन राशि वाले जातकों को बताना चाहूंगा कि मार्च के महीने में आपके किस्मत में अचानक से बदलाव हो रहे हैं, जिसके अनुसार भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर दया दृष्टि बनाएंगे, परंतु इसके बावजूद भी आपको कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेंगे और आपके जीवन में कई प्रकार के कष्टों का भी, आपको परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको बताना चाहेंगे कि आप अपने घर परिवार का विशेष ध्यान रखें, आप अपने मन की बातों को दूसरों के ऊपर भड़ास ना निकालें और आपको अपने धन लाभ होने के बेहतरीन अवसरों की संभावनाएं हैं। आपके जीवन साथी के बीच तनाव और बढ़ सकते हैं, ऐसे में आपको मार्च के महीने में अपने जीवन साथी को समझाते हुए कार्यों को करने की जरूरत रहेंगे। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह महीना विशेषकर लाभकारी रहेंगे। स्थान परिवर्तन और दूर की यात्राओं की योजना बन सकती हैं। पूंजी निवेश संबंधी योजनाओं पर आप एक साथ अनेक प्रकार के धन लाभ कर सकोगे। धन और ऐसे में आपके अचानक से वृद्धि होंगे। बेरोजगारी दूर करने में आप काफी सफल रहेंगे। आपको अचानक से आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति होंगे। व्यापार में प्रगति होंगे। सोच समझकर अपने विवेक से कार्य करते हुए आप आगे बढ़ सकोगे। व्यापारियों को व्यापार में काफी अच्छा खासा लाभ देखने को मिल सकती है। मार्च का महीना आपके लिए काफी यादगार रहने वाला है। निजी जीवन में आप कुछ प्रशंसा के क्षण प्राप्त कर सकोगे, आपके मन की बातों को पूरी कर सकोगे। अविवाहित लोगों के विवाह संबंधों में ये बातें जो हैं वो काफी गति पकड़ सकेंगे। जीवन साथी के साथ किए जा रहे आपके कामकाज में आपको लाभ हो सकेंगे। यद्यपि कोई विवाद भी साथ चल रहा है तो आप उन विवादों को दूर कर सकोगे। संतान को लेकर आपके मन में जो भी दुविधा हैं वह सारे के सारे दूर हो सकेंगे। भागीदारों के मामले में आप सावधानी से काम करें और कोई ऐसा भुगतान ना हो जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़े। सरकारी लोगों से अच्छा काम निकलवा सकते हैं। यदि आप नौकरी करते हैं और आपकी राशि मिथुन है तो आपको बॉस के संबंधों के अच्छे बने रहेंगे। आप किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा कर सकोगे। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि मार्च के महीने में आप महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं, परंतु आप अपने बातचीत में विनम्रता बढ़ाएंगे। आर्थिक स्थितियों पर ध्यान दे सकोगे। आपके किसी से बेहतरीन मुलाकात हो सकेंगे। और इसके साथ साथ आपको बताना चाहेंगे कि आपके लिए यह महीना तो शुभ रहेंगे, परंतु कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको परेशान या फिर हताश या फिर बौखलाहट पूर्ण कर सकती हैं। ऐसे में आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत रहेगी। आपको व्यापार में बड़ा लाभ होंगे और जो लोग नौकरी करते हैं उनकी सैलरी में बढ़ोतरी देखने को मिलेंगे। जीवन के संघर्ष का सामना आप अकेले करने में सक्षम रहेंगे। आपको जीवन साथी का सुख और सहयोग पूर्ण रूप से मिलेंगे। इसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आने वाला समय काफी शुभ रहने वाला है। नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को सरकारी क्षेत्र में सरकारी नौकरी मिलने के योग बन
रहे हैं और शनिदेव की कृपा से पारिवारिक सुख शांति की प्राप्ति कर सकोगे। घर परिवार में उत्साह का माहौल बना रहेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित वाद विवाद दूर होंगे। काम के सिलसिले में आपके द्वारा की गई मेहनत रंग ला सकेंगे। आपको आने वाले समय में कई सारे लाभकारी योजनाओं को लाभकारी गतिविधियों को करने का मौका मिलेगा। ऑफिस में आपकी स्थिति काफी अच्छी बनी रहेंगी। आप सामाजिक गतिविधियों में शामिल हो सकोगे। संतान पक्ष से आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिलेंगी। आपको अपना काम बढ़ाने के बेहतरीन मौके मिलेंगे। इसके साथ साथ महादेव के आशीर्वाद से बिजनेस और पैसे के मामलों में आपका किस्मत आपका हमेशा साथ दे रहा है। नौकरी पेशा लोगों को आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे और आपके सितारे प्रेम संबंधों में नयापन ला सकेंगे। जीवन साथी का साथ आपको भाग्यशाली बना सकता है। महादेव की कृपा से आपको अपनी मेहनत का फल मिलना प्रारंभ हो बना रहेगा। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेंगे। आप गणेश जी की पूजा अवश्य करें। गणेश जी की पूजा करने से आपके राह में आ रही बाधाएं दूर होंगे और आप अपने जीवन में नई सफलता को हासिल करेंगे। घर में आपको शुभ समाचार मिलेंगे। दोस्तों के साथ नया व्यापार की शुरुआत करेंगे। आप अपने कार्यों से आप उच्च अधिकारियों को प्रसन्न करने में इस महीने कामयाब रहेंगे। रुके काम बनना प्रारंभ होंगे। पारिवारिक कलेश समाप्त होंगे और आप कम परिश्रम से ही ज्यादा धन की प्राप्ति कर सकोगे। मधुर व्यवहार से सबका दिल जीतने में आप काफी काबिल रहेंगे। मेहनत के बल पर आप अपने इच्छित लक्ष्य को हासिल कर सकोगे। आपकी धन संपत्ति में आकस्मिक वृद्धि होंगे। आपके पास धन की कमी दूर हो जाएंगे। आपके आर्थिक स्थितियों में सुधार हो सकेंगे। आपको सभी सुख सुविधाओं का लाभ मिलेगा। तन मन से ताजगी का अनुभव करेंगे। काम काज में आपको शुभ फलों की प्राप्ति होंगे। आप अपने परिवार में चल रहे पारिवारिक कलेश को दूर कर सकोगे। काम काज में शुभ फलों की प्राप्ति होंगे और आपके जीवन में चल रही बुरी परिस्थितियां दूर हो सकेंगे। भाईचारे को बढ़ावा दे सकोगे। आप अपने कर्ज को चुकाने में काफी सफल रहेंगे। परिवार के सुख समृद्धियां बढ़ेंगे। भाई बहनों से चल रहे वाद विवाद दूर हो सकेंगे। आपके महत्वपूर्ण कार्य जो काफी लंबे समय से रुके हुए थे वो अब पूरे हो सकेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भी आप ऊंचाइयों को छू लेंगे तथा मिथुन राशि वाले लोगों का भाग्य चरम शिखर पर रहेंगे। लेकिन आप इन चुनौतियों को पार करते हुए सफलता को प्राप्त करेंगे। पढ़ाई लिखाई करने वालों को अपने गुरुजनों से अच्छा समाचार मिलेंगे। व्यापारी वर्ग के लोगों की योजनाएं काफी सफल रहने वाली हैं। आपको बताना चाहेंगे कि अनेक प्रकार की खुशियां आपके जीवन में मार्च के महीने में दस्तक देने वाली हैं, परंतु आपको किसी प्रकार की समस्याओं से भी जूझना पड़ सकता है। आपके सभी इच्छा पूर्ण होंगे। आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे और आपको गुरुजनों का सहयोग मिलेंगे, जिनकी वजह से आप काफी सक्षम और काफी सहयोगी होने के कारण जीवन में अलग अलग परिस्थितियों को देखते हुए भी आप काफी सफलता प्राप्त करोगे। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि आप अपने जीवन में भगवान महादेव के सारे कर्मों को करें और उनकी पूजा उपासना करने से आपके सारे कष्ट दूर होंगे। इस महीने माँ लक्ष्मी की भी कृपा आपके ऊपर बनी रहेंगे। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर में धन की वर्षा होंगे और आपको आपके जीवन में अपार सफलताएं मिलेंगी। और आपको जिस भी प्रकार की परिस्थितियों से आपको अगर पैसों से जुड़ी आर्थिक तंगियों का सामना करना पड़ रहा था उनसे आपको छुटकारा मिलेंगे। और आपको बताना चाहेंगे कि आप जीवन में काफ़ी तरक्की कर सकोगे। यह महीना आपको काफ़ी शुभ फलों की प्राप्ति करवाने वाला है। आपके कर्जों से आपको छुटकारा मिलेंगे। आपके दुख दर्द दूर होंगे। आपकी जिंदगी संवरने वाली हैं और आपके जीवन में उजाला आने वाले हैं। आपके सपने अब हकीकत में बदलने वाले हैं, जिनके कारण आप काफ़ी खुशनुमा बना रहोगे। इस महीने आप जो भी कार्य करेंगे उसमें अगर भगवान भोलेनाथ का नाम लेते हैं तो उस कार्य में आपको सफल होने से कोई भी जातक रोक नहीं सकता। आप बार बार लगातार प्रयास करेंगे, उस प्रयासों में आपको सफलता मिलेंगे। अगर आप विवाहित हैं तो आपको विवाह की ओर से ससुराल पक्ष से आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। जो लोग नौकरी की तलाश में कई वर्षों से इधर उधर भटक रहे थे अब उन लोगों की
तलाश जो है वो पूरी हो सकेंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में आने वाले तमाम प्रकार की परेशानियां समाप्त होंगे। आप अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से इस महीने ख्याल रखें, वाहन सावधानी पूर्वक चलाने का उपयोग करें। व्यापार व्यवसाय में उन्नति के अवसर सामने आ सकेंगे। जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके कार्य क्षेत्र में कोई अवार्ड भी मिलेंगे। आपके प्रेम संबंधों और मान सम्मान में बढ़ोतरी होंगे। आध्यात्मिक सुख शांति का वातावरण रहेंगे। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेंगे। आपके जीवन का हर लम्हा हर पल सुहावना और शानदार तरीके से व्यतीत करोगे। शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलताएं मिल सकेंगी। आपका दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में आप हरे कृष्ण हर हर महादेव अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय मां विंध्यवासिनी।